जय मांबे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है किरण और लोधीज रेसिपी में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो चलिए मैं अपने एक नए सुविचार के साथ अपने नए रेसिपी की शुरुआत करती हूँ कि सेवा कोई भी हो छोटी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इसी नई सोच के साथ आज मैं तिली और सूजी के लड्डू बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने एक कटोरी सफ़ेद तिल ली है जिसे मैंने अच्छी तरह से धोकर और साफ कर लिया है, और यह है 2 कटोरी चीनी। मैंने इसी कटोरी में मेजरमेंट करके मैंने 2 कटोरी चीनी लिया है, और यह है 1 कटोरी सूजी। तो मैंने महीन वाली सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपने मोटी सूजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसे थोड़ी मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं। और यह है 2 चम्मच के लगभग घी, और यह है कुछ ड्राई फ्रूट्स, जैसे मैंने कुछ बादाम लिए हैं, कुछ किशमिश है और कुछ काजू। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सूजी और तिल के लड्डू बनाना। तो फ्रेंड्स, मैंने गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है और मैंने इस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं इसमें तिल को डालकर इसे रोस्ट कर लेती हूँ। इसे हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा रोस्ट करने में तिल का स्वाद थोड़ी कड़वा हो जाता है। तो इसे हमें बिल्कुल हल्का ही रोस्ट करना है, तो कम से कम हमें 5 से 7 मिनट लग सकते हैं। तो इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमें इसे रोस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, देखिए हल्का गोल्डन ब्राउन कलर इसमें आ चुका है। अब इससे ज़्यादा हमें बिल्कुल भी इसे रोस्ट नहीं करना है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और अब इसी में कढ़ाई में सूजी को भी रोस्ट कर लेती हूँ। तो चलिए इसे एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी कढ़ाई पे मैं अब सूजी को भी रोस्ट कर लेती हूँ, और इसे भी हमें ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, बस हल्का इसका गोल्डन ब्राउन कलर दिलाना है। तो इसे भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, बस इस तरह से हमें इसे हल्का हल्का रोस्ट करते जाना है। आप लोगों को लड्डू तो बहुत ही पसंद होंगे, और रेनी सीजन आ भी गया है, तो बस आप अच्छे बढ़िया मनपसंद अपने लड्डू बनाकर तैयार कीजिए घर पर और इसका मज़ा लीजिए। तो आप ज़रूर तिल और सूजी के लड्डू ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो बस इस तरह से हमें इसे 2-3 मिनट और थोड़ा सा रोस्ट करना है, फिर हम गैस को बंद कर देंगे। तो हमारी सूजी भी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे एक प्लेट पर निकाल कर ठंडा होने देते हैं। तो इसी कढ़ाई में फ्रेंड्स, मैंने 1 चम्मच घी डाला है, और अब इसमें हम थोड़ी सी ड्राई फ्रूट जो हमारे हैं तो इसे हम रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट करने में बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है लड्डुओं में, तो बस इसे थोड़ा सा हम हल्का गर्म होने देते हैं। उसके बाद हम इसमें काजू डालकर रोस्ट कर लेते हैं। तो काजू हमारे रोस्ट हो चुके हैं, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट पर। मैंने इसे साबुत ही रोस्ट किया है, क्योंकि कटे हुए पीस डालते हैं तो कुछ छोटे पीस जो होते हैं वो जल जाते हैं, इसलिए इन्हें हम साबुत ही रोस्ट करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे बाद में। तो इस तरह से हम रोस्ट कर देते हैं। मैंने किशमिश को रोस्ट नहीं किया है, क्योंकि रोस्ट करने में किशमिश का स्वाद अच्छा नहीं आता है, तो बस मैंने काजू और बादाम को ही रोस्ट किया है। बस हल्का हल्का ही नहीं हमें करना है, 1-2 मिनट तक, सॉरी फ्रेंड्स, 1 मिनट तक। और बस अब हम गैस को बंद कर देते हैं। हमारे बादाम भी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं, अब मैं इसे भी एक प्लेट पर निकाल लेती हूँ। तो जब तक हमारी तिल और सूजी ठंडी हो रही है, तब तक मैं चाशनी तैयार कर लेती हूँ। तो ये मैंने 2 कटोरी चीनी डाली है, और मैंने जिस कटोरी में मैंने तिल लिया था उसी कटोरी में मेजरमेंट करके मैं 1 कटोरी पानी डालती हूँ। इससे ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है, बस 1 कटोरी मैंने इसमें पानी डाला है 2 कटोरी चीनी में। और इसे हम अब गैस को मैं बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ऑन करके, मीडियम फ्लेम पर ही हमें रखना है, और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए हमें चाशनी तैयार करनी है। अभी हमें हाथ बिल्कुल भी नहीं रोकना है, बस इसे लगातार चलाते हुए हमें चाशनी तैयार करनी है। हमें 1 तार की चाशनी इसमें चाहिए। तो बस इस तरह से हम इसे 5 मिनट तक रेडी करेंगे, चाशनी हमारी कंप्लीट हो जाएगी 5 मिनट के बाद। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लगातार चलाते हुए चाशनी रेडी करेंगे। और अगर आपकी चाशनी में थोड़ा सा अगर कुछ मेल वगैरह हो तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, और जो भी पहला झाग आता है आप उसे निकाल सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरी चाशनी तैयार होगी। तो बस इसे मैं 2 मिनट के लिए और लगातार चलाते हुए रेडी करूँगी। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं,
और देखिए हमारी चाशनी बनकर रेडी हो चुकी है। बस इस तरह से जब ये मोटी मोटी इसकी डिप गिरे तो समझ जाइए कि हमारी चाशनी परफेक्ट बनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट की डिप जो है थोड़ी मोटी और बिल्कुल धीरे से गिरेगी, बस इस तरीके से। ये देखिए, तो हमारी एक तार की चाशनी बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। तो तिल हमारी ठंडी हो चुकी है और सूजी भी हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। तो मैं मिक्सर की सहायता से तिल को थोड़ा सा पीस लेती हूँ। तो इसे हमें थोड़ा पाउडर बनाना है, तो चलिए मैं इसका पाउडर बना लेती हूँ मिक्सर की सहायता से। तो तिल को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। अब चलिए हम इनके लड्डू तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने एक बर्तन लिया है बड़ा, और इस पर मैं सूजी डाल देती हूँ, और मैं इसमें तिल जो हमने अभी पीसा है मिक्सर की सहायता से, तो इसे भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं। तिल में मॉइस्चर बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, तो ये थोड़ा हम जब पीसते हैं तो थोड़ी इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं, तो इसे हम इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे आपस में। और फिर इसमें हम जो ड्राई फ्रूट्स अपने लिए हैं तो इन्हें भी डाल देते हैं। तो मैंने इसमें किशमिश डाल दिया है, और ये काजू और बादाम जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, तो इसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा घी डालूँगी, ज़्यादा घी नहीं डालना है क्योंकि तिल में वैसे भी मॉइस्चर होता है, तो हमें ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं इसमें एक चम्मच के करीब घी डाल दी हूँ, और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। तो इसे हम अच्छी तरह से अभी पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसमें चाशनी डालकर इसके लड्डू तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें चाशनी डाल देती हूँ। चाशनी हमारी ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए, बस गुनगुनी होनी चाहिए। तो बस इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा चाशनी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बहुत ही टेस्टी लड्डू इसके बनकर तैयार होते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैं सारी चाशनी इसमें ऐड कर दूंगी। हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चाशनी डालते जाना है। तो मैंने इसमें चाशनी अच्छे से तरह से डाल दिया और मिक्स कर रही हूँ। बस मेरी इतनी सी ही चाशनी इसमें बची है, तो इसे अब मैं रख देती हूँ, और अभी थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, फिर हम इसके लड्डू तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसके अब लड्डू तैयार कर लेते हैं। तो हाथों में हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे इस तरह से, और बस इसके हम थोड़ी थोड़ी से इस तरह से पेड़े लेके और लड्डू तैयार करेंगे। देखिए बहुत ही आराम से इसके लड्डू तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल भी इसमें हमें मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है, और बहुत ही अच्छे से बहुत ही अच्छे लड्डू हमारे बनकर तैयार हो रहे हैं। तो बस अपने मनचाहे आकार में आप लड्डुओं का शेप दे सकते हैं। तो बस मैं इस तरह से छोटे लड्डू बना रही हूँ, और बस ये एक लड्डू हमारा बनके तैयार हो गया है। अब मैं थोड़ा सा और हाथों में हल्का सा पानी लगा लूँगी, और फिर थोड़ा सा हम इसमें लेकर और इस तरह से पानी लगाने से क्या है कि ये जो हमारा सूजी और तिल का है तो हमारे हाथों में चपकता नहीं है, और बस इस तरह से हम लड्डुओं को बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए हमारा बहुत ही अच्छा गोल लड्डू बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट है। इसमें हम थोड़ा सा अगर हम घी डाल देंगे एक चम्मच, तो हमारे बहुत ही अच्छे सॉफ्ट लड्डू बनकर रेडी होते हैं। तो चलिए अब मैं सारे लड्डू को बनाकर रेडी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारे सारे लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं। चलिए मैं इसे थोड़ा सा बादाम से गार्निश कर देती हूँ। आप अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं, और इसमें डाल भी सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बस इस तरह से हम सारे ड्राई फ्रूट सजाकर रेडी कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपको मेरी लड्डुओं की रेसिपी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। और हमेशा आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। और जल्दी मिलती हूँ मैं अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।